इनका नाम प्रमिला है और ये बड़ौदा गुजरात की रहने वाली हैं। इनको C5-C6 स्लिप डिस्क और नस दबने के कारण गर्दन, कमर तथा पैरों में भयंकर दर्द होने के साथ साथ झंझनाहट भी होती थी। इनका इलाज सीकर राजस्थान के सुप्रसिद्ध आयुर्वेदिक न्यूरोस्पाइन स्पेशलिस्ट डॉक्टर योगेश शर्मा के द्वारा आयुर्वेदिक न्यूरो पंचक्रम थेरेपी से किया गया। तो अब आप देखिए इनका इलाज और इलाज होने के बाद ये कैसा महसूस कर रही हैं। जी परमिला जी, जो अभी ये कटिंग थेरेपी लगाई आपको, इससे कैसे महसूस कर रहे हो? अच्छा महसूस कर रहे हैं सर, बढ़िया महसूस कर रहे हैं। बढ़िया, अच्छा महसूस हो रहा है। हाँ जी परमिला जी, ये जो स्टीम थेरेपी हो रही है, इसे कैसे महसूस कर रहे हो आप? इसे अच्छा महसूस कर रहे हो और दर्द भी ऐसे हल्का लग रहा है। अच्छा। दर्द हो रहा है? अच्छा है। फिर से ठीक है ना? कल कैसे कैसे दर्द होता था? कमर से लेकर यहाँ तक खुले में और जलजलन भी होती है। पैर में भी हो रहा है? अब एकदम ठीक है। मैं भरत कुमार बड़ौदा गुजरात से आया हूँ, मेरी वाइफ को लेके यहाँ सीकर में डॉक्टर योगेश जी शर्मा जो कायाकल्प हॉस्पिटल है वहाँ पे लेके आया था। उनको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम था तो वो अभी संपूर्ण रूप से ठीक है। तो ये इनके कितने समय से तकलीफ थी? 3-4 साल से प्रॉब्लम था और अभी थेरेपी ली है 2 बार और अभी संपूर्ण रूप से ठीक है। यहाँ के बारे में कैसे पता चला? यूट्यूब से पता। तो हाँ जी, आप बताओ आपके कैसे कैसे पेन होता था? मेरे गर्दन में पेन होता था, कमर में और पैर में होता था। हाँ। और झंझनाहट भी होती थी और हाँ। अभी मैंने ट्रीटमेंट लिया है तो अच्छा है। नहीं, आपके यहाँ पर कौन से रोज से फर्क पड़ना स्टार्ट हो गया था? ये मुझे 6-7 दिन बाद में, 6-7 दिन अच्छा फर्क पड़ा। अभी मेरे नस बिल्कुल दंदे नहीं दब रही और अच्छा फील हो रहा है। आपको यहाँ का हॉस्पिटल का माहौल और जैसे हमारा इलाज का तरीका कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, स्टाफ भी बहुत अच्छा है और सब अच्छा है, हॉस्पिटल का माहौल सब। तो और भी लोगों को जिसके भी इस प्रकार की प्रॉब्लम, उनको आप? हाँ, मैं यहाँ आने के लिए रिकमेंड करता हूँ और आओ तो अच्छा है।